तो भाई लोग कैसे हो, वेलकम टू द एक और ब्रांड न्यू वीडियो पे। तो यार देखो, बहुत लोगों का कमेंट रहता है कि भाई हम जब गेम में पबजी या फिर कोई भी और गेम ओपन करते हैं तो अपना गेम जो है इधर पे 98% पे आके लोडिंग होके स्टक हो जाती है, चाहे कितने भी रीस्टार्ट कर लो, चाहे कितने भी कुछ कर लो। ठीक है, तो आज इस वीडियो में मैं आपको परमानेंट मेथड बता रहा हूँ कि कैसे आपको सही करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको आपको बैग आ जानी है, ऐसे इसको क्लोज़ कर देनी है ऐसे। ठीक है, इसको भी क्लोज़ कर देनी है, टास्क मैनेजर ऑन कर लेनी है, और इधर से अगर ऑन हुए गेम लूप तो इसको क्लोज़ कर देनी है। ठीक है, देखो हो गया क्लोज, और इधर से भी इसको क्विट कर देनी है। ठीक हो गया इतना। उसके बाद गाइज आपको इधर पर सर्च करनी है दिस पीसी। ठीक है, दिस पीसी पे आपको चली जानी है, और जहाँ पे भी अपना गेम लूप को इंस्टॉल किया था उस फोल्डर पे चले जानी। तो ये क्या आ गया, इसको डिलीट। तो मैंने इधर पे कर रखा था इसको, इधर पे जाके टी एक्स गेम असिस्टेंट नाम का एक फोल्डर प्रोग्राम फाइल के अंदर टी एक्स गेम असिस्टेंट, उसके अंदर दोस्तों आपको यूआई के अंदर जाना है। जाने के बाद दोस्तों आपको सबसे ऊपर इधर पे देखेगा लास्ट में 3 नंबर पे शेडर कैसे। ठीक है, इसके अंदर आपको जाना है, और इधर पे अगर कुछ भी फाइल वगैरह रहेगी ना तो सबको डिलीट कर देना है, सबको मतलब सिलेक्ट करके डिलीट कर देना है। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद गाइज आपको मैं नेक्स्ट प्रोसेस दिखाता हूँ। तो आपकी डेस्कटॉप के ऊपर जो भी गेम लूप का आइकन रहेगा, मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 32 बिट यूज़ करो। उसके बाद उसकी आइकन की प्रॉपर्टीज़ पे चले जानी है। जाने के बाद दोस्तों आपको इधर पे दिखे जाए एडवांस, एडवांस पे दोस्तों रन दिस प्रोग्राम एज एन एडमिनिस्ट्रेटर इसको सिलेक्ट कर लेनी है। ओके ओके कर दो। उसके बाद गाइज आपको चले जानी है कॉम्पेटिबिलिटी पे। उसके बाद आपको चले जानी है चेंज सेटिंग्स फॉर ऑल यूज़र। उसके बाद चेंज हाई डीपीआई सेटिंग्स, अगर इस बॉक्स को अनचेक है तो अनचेक कर दो, बाकी इधर पे अगर चेक रहेगा आपको तो इसको अनचेक कर दो। ठीक है, अनचेक करके एक बार देखो, अगर चल जाए तो सही है, अगर नहीं चले तो इसको चेक करके इधर पे एप्लीकेशन सिलेक्ट कर देना है, सिस्टम नहीं करना है, एप्लीकेशन कर देना है। ठीक है, ओके कर देना है, और इन दोनों बॉक्स को ऑन कर देना है, रन दिस प्रोग्राम एज एन एडमिनिस्ट्रेटर डिसेबल फुल स्क्रीन ऑप्टिमाइजेशन, इन दोनों को कर दो, ओके कर दो। उसके बाद अप्लाई कर दो, ओके कर दो। तो भाई लोग देखो, आपने जो है अपना सब कुछ कर लिया अपने काम। ठीक है, मैंने जैसा जैसा दिखाया प्रोसेस, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम जो है पबजी को ऑन करेंगे और देखेंगे कि अपने जो स्टैक वाला प्रॉब्लम है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, और जो मेन चीज़ गाइज मैंने बताया है, इसको राइट क्लिक कर प्रॉपर्टीज़ में जाके कॉम्पेटेबिलिटी में जाके इधर पे जो है ना, अगर इसको आपको अनचेक है तो इसको चेक कर दो, अगर चेक है तो अनचेक कर दो। तो इसी में से ही गाइज आपका जो प्रॉब्लम है वो फिक्स हो जाएगा। ठीक है, जैसे मेरा आप देख सकते हो, अभी मेरा जो है गेम विदाउट कोई एरर चालू हो चुका है। अगर फिर भी दोस्तों आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, कुछ भी इंस्टॉलेशन में मतलब फिर भी अटक जा रही है, तो एक ही आपका जो है रास्ता है, आपको गेम लूप को रीइंस्टॉल करना पड़ेगा। और रीइंस्टॉल करने से आपको एक और फ़ायदा मिलेगा कि आपका गेम फ्रेश रहेगा, आपको लैग देखने के कम मिलेगा। तो हालांकि मैंने लैग फिक्स के ऊपर तो ऑलरेडी वीडियो बना के रखी है, तो सारे जो वीडियो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा। वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते किसी दिन एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए गाइज गुड बाई।